चलो करते हैं शुरू। आज हमने निमाटोड्स के बारे में जानना है, ठीक है? निमाटोड्स क्या होते हैं सर, किसी ने सुना निमाटोड्स के बारे में? निमाटोड्स कभी सुना हो, यस सर। बता सकते हो कुछ? वर्म्स के फाइलम। ओके ओके ओके। चलो मैं तुझे मैं ना आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा, पहले प्लस टू लेवल का हल्का फुल्का, तो आपको पता लगेगा निमाटोड्स उठ के कहाँ से आ गई। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं निमाटोड्स के बारे में। निमाटोड्स मेनली एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। मैंने क्या बताया कि निमाटोड्स हैं जो, वो किससे बिलोंग करते हैं? एनिमल किंगडम से। हम प्लस टू में जैसे पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, जो भी प्लस टू के मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बारे में एनिमल किंगडम के। एनिमल किंगडम में मेनली ना 11 फाइला आते हैं, 11 फाइला। जैसे एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम बहुत सारे एनिमल आ गए, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं हम। ये आपको सिर्फ कुछ नहीं, मतलब ये याद नहीं करना आपको, मतलब लिखना नहीं पेपर में, आपके समझने के लिए, आपको फ्री माइंड होकर सिर्फ समझो इसके बारे में। जो एनिमल किंगडम है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एनिमल आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको दो पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं पैराजोआ, एक को हम कहते हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ में सिर्फ एक ही फाइला आता है, उसका नाम है पोरीफेरा, ठीक है। और इसके अंदर टोटल कितने फाइला मैंने बताया आपको? 11 फाइला होते हैं एनिमल किंगडम में। फाइला का मतलब कुछ नहीं, फाइला का मतलब कि आगे इसको 11 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एनिमल किंगडम को, कि जितने भी एनिमल्स पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनको 11 फाइला में डिवाइड कर दिया। उनमें से फिर जो 11 फाइल हैं, उनमें से जो एक 11 फाइलों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पैराजोआ, पैराजोआ के अंदर सिर्फ एक ही फाइल आता है, जिसको मैंने कहा आपको कि पोरीफेरा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना। दूसरा ग्रुप है इसका यू मेटाजोआ, एनिमल किंगडम का, इसमें कितने? 10 फाइल आते हैं, ठीक है, 10 फाइलम। उसमें से एक फाइलम है जिसका नाम क्या है, एस्केहेलमेंथिस। एस्केहेलमेंथिस क्या है? एक फाइलम है जिसके अंदर कौन से आते हैं? राउंड वॉर्म। मेनली जो एस्केहेलमेंथिस होते हैं उसमें से एक एस्केहेलमेंथिस का एक मेंबर है जिसका नाम है एस्कैरिस। ये क्या करता है? ये हमारी मेनली इंटेस्टाइन में क्या करता है, ग्रो करता है। बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन को पूरी तरह ब्लो कर देते हैं। आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा बहुत। एस्कैरिस, एस्कैरिस क्या करता है, हमारी इंटेस्टाइन में इतने ज्यादा ग्रो हो जाते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, अंदर खाना नहीं जाएगा, तो फिर क्या हो जाता है, मतलब पूरी इंटेस्टाइन को ब्लॉक करते हैं, तो इसके कारण कई बार क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, जिसको कहते हैं ना पेट के कीड़े। जैसे एक तो एस्केहेलमेंथिस में होते हैं, ऐसे एक प्लेटिहेलमेंथिस होता है, उसमें भी होता है एक। ये भी एक फाइला है प्लेटिहेलमेंथिस, जैसे मैंने एस्केहेलमेंथिस बताया, एक प्लेटिहेलमेंथिस भी फाइला होता है, उसके अंदर भी क्या आते हैं, वही वॉर्म्स आते हैं, पर वो कौन से होते हैं? फ्लैट वॉर्म्स। अब जब हम जिसकी बात कर रहे हैं निमाटोड की, वो किससे ग्रुप बिलोंग करता है? एस्केहेलमेंथिस से। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं निमाटोड्स की, वो किससे बिलोंग करता है? मेनली एस्केहेलमेंथिस से बिलोंग करता है। इसमें क्या होंगे, मतलब इसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, ये वॉर्म लाइक होते हैं, जैसे मतलब इनकी ऐसी वॉर्म्स होंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, मतलब राउंड वॉर्म्स होते हैं, और इनका साइज जो होता है माइक्रोमीटर में होता है, बेसिकली माइक्रो बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको हम बेसिकली माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। और ये मेनली क्या करते हैं, या तो ये पैरासिटिक होते हैं, या तो ये बॉडी के अंदर रहते हैं, प्लांट्स के अंदर भी रह सकते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, या फिर ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं, मतलब किसी भी एनिमल या प्लांट्स की बॉडी के बाहर रहेंगे।
उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इन इनके यहाँ पे एक जो इसका माउथ होता है ना, वहाँ पे एक ऑर्गन होता है इनका, जिसको हम कहते हैं स्टाइलेट्स। उसके थ्रू ये क्या करते हैं, जिस भी एनिमल के ऊपर जाएंगे मतलब अटैक करेंगे, उसकी जो सेल वॉल होगी उसको पंचर करके वहां से न्यूट्रिशन लेती है। यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइलेट। इतनी बात समझ आई सभी को? यस सर, बस मैंने जी क्या बताया कि जो एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम में क्या होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड के एनिमल्स आ जाते हैं, उनको उसको हम इकट्ठे रख लेते हैं एनिमल किंगडम में। फिर उसको हमने क्या किया, बेसिकली 11 फाइला में डिवाइड कर दिया। बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको 11 फाइला में हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। उसमें से मैंने बताया एक आप होता है पैराजोआ, पैराजोआ के अंदर सिर्फ एक पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा आपने देखे भी होंगे, वाटर्स के अंदर होते हैं मेनली ज्यादातर। और एक होते हैं यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ में 10 फाइलम आते हैं। उसमें से एक फाइलम है एस्के हेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस का एक सब फाइलम है, सब फाइलम मतलब सब ग्रुप है, वो क्या होता है, नीमाटोड्स। ये मेनली क्या होते हैं, सारे राउंड वॉर्म्स होते हैं। ये क्या मतलब, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, या तो एंडोपैरासिटिक होते हैं ये, या फिर क्या होते हैं, एक्टोपैरासिटिक। ठीक है, इतनी बात समझ आई, चलें आगे। इसमें से किसी को कुछ पूछना तो नहीं, बोलिए जी। नो सर। बस मैंने ये आपको ही बताना था कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, नीमाटोड्स बिलोंग टू द किंगडम एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं ये। नीमाटोड्स आर वॉर्म लाइक, वॉर्म की तरह होते हैं, ये क्या होते हैं, टेक्सोनोमिकली, टेक्सोनोमिक मतलब क्या होता है, इनको भी ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब ट्रू वॉर्म से थोड़े डिस्टिंक्ट होते हैं। ट्रू वॉर्म्स कौन से हो गए, मैंने आपको बताया था एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस का एक ग्रुप है, ठीक है ना, उससे थोड़े डिफरेंट अलग है ये। न्यूमरस स्पीशीज ऑफ निमाटोड्स अटैक्ट एंड पैरासाइट्स ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये मेनली एनिमल्स और ह्यूमंस के ऊपर बहुत सारी स्पीशीज हैं इसकी जो अटैक करती हैं, उनका पैरासिटिकली उनके अंदर रहती हैं या उनके बाहर रहती हैं, ठीक है ना, बॉडी के ऊपर रहती हैं। इन विच दे कॉज वेरियस डिजीज, बहुत सारे डिजीज करते हैं इसी कारण। सेवरल हंड्रेड स्पीशीज आर नोन टू फीड ऑन लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स के ऊपर बहुत सारी स्पीशीज हैं इसकी जो इन्फेक्ट करती हैं। ऑब्टेनिंग देयर फूड विद स्फियर्स, ये मैंने आपको बताया जो उसका माउथ होता है ना निमोटोड्स का, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्फियर्स कहते हैं या स्टाइलेट्स कहते हैं। जो स्टाइलेट्स होते हैं वो मेनली पोरस होते हैं, उनके अंदर मतलब सॉलिड नहीं होंगे, और जो स्फियर्स होंगे वो सॉलिड होते हैं, ये फर्क होगा। ये देखो, ये आपको निमाटोड्स की एक बॉडी दिखाई गई है, इसके अंदर क्या है, जो ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या दिखाया गया आपको, ये स्टाइलेट है, ये इसको हम स्फियर कह देंगे, दोनों में से एक स्ट्रक्चर है। अगर तो स्फियर स्टाइलेट होगा तो क्या होगा, मतलब होलो होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्रोजेक्शन बाहर को निकली हुई, अगर तो स्टाइलेट कहेंगे इसको तो वो होलो होती है। स्फीयर किसको कहते हैं, जब ये सॉलिड हो जाती है, तो ये मेनली काम क्या करती है, बॉडी को पंचर करने का काम करती है, जहां पे भी इसके ने अटैक करना है तो वहां पे ये पंचर करेगा, वहां से न्यूट्रिशन ले लेगा पंचर करके। ये मेनली आपको ये नीमाटोड्स का एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है ना, इमेज दिखाई गई है एक माइक्रोस्कोपिक इमेज के कैसा होता है। एंड कॉजिंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट डिजीज वर्ल्ड वाइड, इस पे इस स्लाइड में कोई दिक्कत हो किसी को, सब कुछ क्लियर, आसान बातें हैं निमाटोड्स के बारे में। यस सर। आगे बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। प्लांट पैरासिटिक निमाटोड्स ये क्या होते हैं, 300 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं, और 15 से 35 माइक्रोमीटर तक वाइड होते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटा साइज होता है इनका, माइक्रोमीटर में साइज होता है, जिसको हम बेसिकली नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं मेनली। देयर स्मॉल डायमीटर मेक्स देम इनविजिबल टू द नेक्ड आई, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, बट दे कैन ऑब्जर्व इजिली अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। निमाटोड्स आर इन जनरल ईल शेप्ड, ईल नाम सुना है किसी ने, क्या होता है ईल, किल सर, चाइनीज खाते हैं ना उसे सर। ये एक फिश होती है, ठीक है, यस सर।
हाँ वो भी बिल्कुल जैसे निमाटोड्स का मतलब जैसे निमाटोड्स की मॉर्फोलॉजी होती है वैसे ईगल की होती है, एक फिश होती है आप देखना ठीक है गूगल पे जाके। निमाटोड्स आर जनरल ईगल शेप्ड एंड राउंड इन क्रॉस सेक्शन। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, हमें राउंड दिखेंगे विद स्मूथ अनसेगमेंटेड बॉडीज। अनसेगमेंटेड बॉडीज का मतलब क्या है कि जैसे ये देखो ये एक निमाटोड है, इसकी बॉडी सारी ऐसी होगी, इसमें कोई सेगमेंट्स नहीं होंगे। सेगमेंट जैसे आपने वो देखा है अर्थवर्म देखी है, यस सर, उसमें क्या होता है उसकी सारी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है ओके ठीक है ना। अब ये तो ऐसे ही बन गया, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे अर्थवर्म होता है उसकी सारी बॉडी सेगमेंट, इसकी क्या होती है अनसेगमेंटेड होती है। पर इसकी जब आप बाहर से देखोगे तो आपको सेगमेंटेड जरूर दिखेगी पर अंदर से सेगमेंटेड नहीं होती, तो आप सीधा क्या रखोगे अनसेगमेंटेड विदाउट लेग्स, इसके पास कोई लेग्स नहीं होती और कोई और अपेंडेजेस भी नहीं होते। द फीमेल्स ऑफ सम स्पीशीज हाउएवर बिकम स्वोलन एट मेच्योरिटी। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है जो फीमेल्स होती हैं इसमें निमाटोड्स में वो क्या होती हैं स्वोलन हो जाती हैं एंड हैव पियर शेप्ड और स्फेरॉइड बॉडीज। ठीक है जी, यहाँ तक कुछ है, ऐसी बातें हैं ना यस सिंपल सी। सर, आगे बात आती है इसकी एनाटॉमी की। मेनली एनाटॉमी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जितने भी एस के 11 मैंने आपको बताया, एस के 11 में मैंने आपको बताया कि निमाटोड्स आते हैं ठीक है ना। एस के 11 से पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी मतलब ग्रुप थे, उन सभी में क्या होता था जो मेल और फीमेल होते थे वो एक ही बॉडी के अंदर होते थे। तो एस के 11 ही ऐसा ग्रुप था पहला जिसके अंदर मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉडी के अंदर होते हैं। जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम या तो मनुष्यस कहते हैं या फिर कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट ठीक है ना। पर इस जो हम नेमाटोड्स की बात कर रहे हैं मतलब एस के 11 का एक ग्रुप है नेमाटोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं अलग अलग बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। और क्या होगा इसको हम मतलब देख कर भी क्या कर सकते हैं डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। मेल में क्या होता है बेसिकली जो मेल होता है उसका साइज क्या होता है स्मॉल होता है। जैसे आपको ये जो फर्स्ट वाला है ये आपको मेल दिखाया गया है और जो सेकंड वाला है ये क्या है फीमेल ठीक है। मेल का साइज हमेशा क्या होगा छोटा होगा और फीमेल का बड़ा होता है। इस तरह आप मॉर्फोलॉजिकली इनको डिस्टिंक्ट कर सकते हो प्लेटिकलमेंथिस को, नो सॉरी एस्केलमेंथिस को या इसको निमाटोड कह लो आप। द निमाटोड बॉडी इज मोर और लेस ट्रांसपेरेंट, इट इज कवर्ड बाय कलरलेस क्यूटिकल। ये क्यूटिकल के द्वारा क्या होती है कवर कवरिंग होती है, क्यूटिकल एक कवरिंग है जिसके द्वारा क्या होती है कवर होती है। द क्यूटिकल मोल्टन व्हेन द नेमाटोड्स गोज थ्रू द सक्सेसिव जुवेनाइल स्टेजेस। अब नेमाटोड्स में क्या होता है जैसे रिप्रोडक्शन होती है तो उसके बाद क्या बनता है लार्वा बनता है। लार्वा में क्या होती है लार्वा अलग अलग उसके क्या होंगे अलग अलग नाम होंगे, तो उनमें क्या होगा अलग जैसे एक लार्वा बना तो उसके बाद जब दूसरा बनना है तो क्या होगा जो पहला लार्वा था उसकी कवरिंग तोड़ी जाएगी तभी तो वो दूसरे में कन्वर्ट हो पाएगा, फिर दूसरा लार्वा बनेगा मतलब उसके ऊपर दूसरी तरह की कवरिंग आएगी, उसको दूसरी तरह उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, उसके बाद तीसरा लार्वा बनेगा। तो इस तरह अलग अलग क्यूटिकल इसके ऊपर जनरेट होती रहती हैं इसके जुवेनाइल फेज में ठीक है। द मसल अनेबल्स द नेमाटोड्स टू मूव। मेनली नेमाटोड्स किसके द्वारा मूव करते हैं मसल्स के द्वारा, कि जो भी इसकी बॉडी होती है उसके वहां पे क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं उसके द्वारा क्या करते हैं ये मूवमेंट करते हैं। द बॉडी कैविटी कंटेन ए फ्लूड। अब जैसे क्या है ये क्या है एक नीमाटोड्स है ठीक है, मैंने ये बना लिया, इसमें क्या होगा ये इसका अंदर क्या है जो अंदर वाला है इसकी वो क्या है एलिमेंट्री कैनाल है टोटल। उसके अलावा जो ये वाला स्पेस बच के है ना सारा ये वाला ये क्या है इसका ये बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी किसको कहते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस होता है उसको हम बॉडी कैविटी कह देते हैं, या आपने वर्ड सुना होगा सिलोम, सुना है सभी ने वर्ड सिलोम, बायो वाले नहीं उन्होंने तो सुना ही है
ए सिलोमेट, सिलोमेट, ट्रू जी सर, सिलोम, जो बीच में है उसको हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और जो साइड की कवरिंग है उसको क्या कह रहे हैं, बॉडी बॉडी कैविटी। द बॉडी कैविटी कंटेन्स फ्लूइड होता है उसमें, थ्रू विच जिसके द्वारा क्या करते हैं हम, वो निमाटोड्स क्या करता है, सर्कुलेशन होती है उसके अंदर और रेस्पिरेशन होती है, टेक्स प्लेस। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज होलो, होलो ट्यूब, एक जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, एक होलो ट्यूब होती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी माउथ थ्रू दी ओसोफेगस आती है इसमें, फिर इंटेस्टाइन होगा, रेक्टम होगा एंड एनस, ठीक है ना, यही मेन मेन पार्ट होते हैं इसमें। लिप्स यूजली 6 in number। अब ये देखो, ये यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ आपको, जो इसका माउथ होता है वहाँ पे क्या होते हैं, जो इसके लिप्स होते हैं वो उनका नंबर कितना होता है, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सराउंडेड द माउथ है इस स्लाइड में भी कुछ मुश्किल, चलो आगे साथ के साथ बोल दिया करो, किसी के मन में कुछ है। यस नेक्स्ट अब हम इसके नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसकी एनाटॉमी में। मोस्ट प्लांट पैरासिटिक निमाटोड्स हैव होलो स्टाइलेट्स, जो ऊपर वाला मैंने आपको पोर्शन बताया था कि वो स्टाइलेट होता है ना, वो क्या होता है, होलो होता है, तब तो उसको स्टाइलेट कहते हैं। बट इफ यू हैव ए सॉलिड मॉडिफाइड स्फीयर, पर कुछ केसेस में क्या होता है, जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला इसका ऑर्गन है, वो क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। ये मेनली काम की किस किस में हेल्प करता है, पंचर करने में, होल करने में प्लांट सेल के अंदर, फिर उस उसके द्वारा क्या करता है, न्यूट्रिशन ले लेता है उस सेल से, जहाँ पे भी इसने क्या किया, पंचर किया है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेमाटोड्स आर वेल डिवेलप्ड, जो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, वो वेल डिवेलप्ड हैं। ये बहुत पूरा मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनने शुरू हुए हैं, तो इन्होंने क्या लिखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर वेल डिवेल्प्ड, इसीलिए इन्होंने लिखा है वेल डिवेल्प्ड। इसमें मेनली फीमेल्स में क्या होता है, 1 or 2 ovaries होती हैं एक तो, फॉलोड बाय ओविडक्ट एंड रेक्टम टर्मिनेटिंग दी वल्वा। ये देखो, ये वाला डायग्राम कौन सा है, ये फीमेल वाला है, ओवरी होगी इसमें, उसके बाद क्या होगा, यूट्रस होगा, फिर वल्वा होगा, वल्वा के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में एनस होगा। पर जब हम मेल की बात करते हैं, मेल में क्या होता है, जो भी जैसे स्पर्म को रिलीज करने के लिए, या फिर जो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल्स है उसको रिलीज करने के लिए, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको रिलीज करने के लिए क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है। यही एक बात है जो मेल को फीमेल से अलग करती है, बाकी सब कुछ इसमें सिमिलर ही होता है। एक तो टेस्टिस होगी, ये डिफरेंशिएट करती है, और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो भी अगर रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर क्या वो मैंने बताया एक्सक्रेटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, एक ही कवरिंग, एक ही पोर होता है इस मेल में, फीमेल से इसको यही बात अलग करती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिमिलर टू फीमेल, बट देयर इज है टेस्टिस होती हैं, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होती हैं, सेमिनल वेसिकल होंगी, सेमिनल वेसिकल जिसमें क्या होता है, स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म जिसमें क्या होता है, स्पर्म्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड ए टर्मिनस इज ए कॉमन ओपनिंग विद इंटेस्टाइन। वो क्या लिख रहा है ना, कॉमन ओपनिंग सभी के लिए क्या होती है, कॉमन ओपनिंग, स्पर्म्स के लिए भी, स्पर्म्स के लिए भी, और किसके लिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल के। इसमें क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है किसके अंदर, मेल के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, कहीं पे भी लिखने के लिए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट पैरासिटिक निमाटोड्स इज थ्रू एग्स एंड मे बी सेक्सुअल और पार्थिनोजेनिक। पार्थिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल तो मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो एग्स बनेंगे, एक्स के बाद क्या होगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर वो यंग वंस बन देगा, बन जाएगा। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एक्स क्या हो जाते हैं, वो मतलब उनमें क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है बिना स्पर्म्स के ही, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। मैनी स्पीशीज लैक मेल्स, मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज है नेमाटोड्स के जिनके अंदर मतलब फीमेल तो है उस तरह के, मतलब मेल्स नहीं है, तो उन केसेस में मेनली क्या होता है, मतलब वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस का सहारा लेते हैं, उसके द्वारा ही क्या होती है, उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, और सीधा ही क्या हो जाता है, मतलब एक्स जो होते हैं मेच्योर हो जाते हैं और उनसे लार्वा बनता है, और फिर क्या होता है, मतलब वो उसी टाइप का यंग वंश बन जाता है, पर उसमें मेल नहीं कभी भी बनेगा, हमेशा फीमेल ही बनेंगे।
हाँ जी, क्लियर है ये सभी बातें? बोलो भाई, कोई कोई वर्ड इसमें ना पता ओके लगाओ। एक ही वर्ड आया इसमें, पार्थेनोजेनेसिस। बाकी बताओ और कुछ ना पता लगाओ। आप बोलते नहीं, क्या चक्कर है? समझ आगे क्या बात है? सिम्टम्स कॉज्ड बाय निमाटोड्स, के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, निमाटोड्स कौन कौन से सिम्टम कॉज करते हैं, जो मतलब प्लांट्स में कौन कौन से सिम्टम्स करते हैं, और प्लांट्स में जो उसके फंक्शन है उसमें कैसे कैसे अब एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। निमाटोड्स इन्फेक्ट द रूट, वो रूट को इन्फेक्ट करते हैं, और कई बार किस कुछ कुछ ज़्यादातर क्या होते हैं, रूट को इन्फेक्ट करते हैं, पर कुछ इस केसेस में क्या होता है, जो ग्राउंड पार्ट होता है प्लांट्स का उसको भी इन्फेक्ट करते हैं। जैसे क्या करते हैं, हाइपरट्रॉफी कर देते हैं। हाइपरट्रॉफी में मेनली क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, मतलब उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी कह देते हैं। एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो भी सेल्स होते हैं वो फटने लग जाते हैं। जैसे ये कोई सेल है, अगर इसमें नेक्रोसिस हो गई, निमाटोड से इन्फेक्शन कर दिया, तो वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। एबनॉर्मल ग्रोथ एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एक पहला सिम्टम क्या है, रूट नोट या रूट गॉल। इसके अंदर क्या होता है, मतलब सेल्स के अंदर इनलार्जमेंट आ जाती है। इनलार्जमेंट होने के कारण क्या होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं। जैसे क्या हो गया, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे देखिए, एक मिनट, जैसे ये हमारी रूट्स हैं, ठीक है, ऐसे बन गए, मतलब आप समझ लो ये क्या है, रूट्स हैं प्लांट के, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल रूट्स। अब क्या होगा, इसमें अगर निमाटोड से इन्फेक्शन कर दिया तो क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे गुच्छे से बन जाएंगे। मतलब समझ रहे हो कि ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे क्या होंगे, गुच्छे से बन जाएंगे, जैसे नोड्स बन जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, नोड्स, वो बन जाते हैं। मतलब हुआ क्या, इसमें सेल्स की इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े सेल्स हो जाते हैं, और फिर क्या होगा, वो इसके कारण उनकी एबनॉर्मल शेप हमें दिखने लग जाएगी। दीज आर इनलार्ज ऑफ द रूट कॉज्ड बाई द फीडिंग ऑफ निमाटोड्स। निमाटोड्स जब फीड करते हैं, मतलब निमाटोड जब इन्फेक्शन करेंगे स्टाइलेट के द्वारा, तो क्या होगा, ये इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और इनलार्ज हो जाएंगे, विच में नॉट नेसेसरी बी इनक्लोज विद इन देम। तो वो कह रहा है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि निमाटोड्स को इसके अंदर ही रहना है, रूट के अंदर, वो बाहर से भी इन्फेक्शन कर सकता है। द फीडिंग ऑफ निमाटोड इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ जाइंट सेल्स, बहुत बड़े बड़े सेल बन जाते हैं इन द होस्ट टिश्यू, एंड द सेल डिवीजन इज स्टिमुलेटेड। सेल डिवीजन स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है कि जैसे एक सेल था, ठीक है ना, प्लांट सेल के अंदर एक सेल था, इसमें क्या हुआ, निमाटोड ने क्या किया, इन्फेक्शन किया, ठीक है, निमाटोड ने, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने कुछ केमिकल छोड़ दिए। वो केमिकल क्या हुआ, उस केमिकल्स ने क्या किया कि सेल को इन्फ्लुएंस किया कि आप अपना नंबर बढ़ाओ, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्या होता है, डिवाइड होने लग जाते हैं, तो उनका नंबर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, नोड्स बन जाते हैं बड़े बड़े सेल्स के अंदर, जिसको हम रूट गॉल कहते हैं या रूट नोड्स भी कह देते हैं। आगे लिखा हुआ है ना, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गॉल्स ऑफ वेरियस स्पॉट्स, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या बन जाते हैं, गॉल्स बन जाते हैं। वूल प्लांट रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन बाय रिड्यूसिंग देयर फोटोसिंथेटिक रेट, मतलब क्या हो जाता है, एक तो फोटोसिंथेटिक रेट उसका कम हो जाता है, यील्ड कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, सब कुछ जो उसका मतलब प्लांट का जो अपर ग्राउंड पार्ट होगा ना, उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं वो कर पाएगा, क्योंकि उसको जो नीचे से मटेरियल मिलना था, वाटर वगैरह, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रूट्स के अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है, तो इसलिए उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है और यील्ड भी कम हो जाती है। इट इज सुजेस्टेड दैट द निमाटोड्स इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। मैंने वही ये वही बात लग कह रहा है कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, कि उसके जो जितने भी फंक्शन होते हैं, केमिकल फंक्शन अंदर चलते हैं प्लांट्स के अंदर, उसको इन्फ्लुएंस कर देता है, कि उसके अंदर क्या होता है, ऐसे केमिकल्स बनने लग जाते हैं जो क्या करते हैं, सेल्स को ग्रो करने के लिए कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नंबर में डिवाइड करो।
ऑफ द प्लांट बाय इंटरफेयरिंग द सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स. ये केमिकल्स जो मैंने कहे हैं वो कौन से होते हैं? ग्रोथ हॉर्मोन्स ही होते हैं. रिस्पोंड टू द रूट्स, मतलब रिस्पोंड रूट में क्या करेंगे, वो रिस्पोंड करेंगे वो केमिकल्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स. अगर वो रिस्पोंड करेंगे तो क्या होगा, वो कहेंगे कि जो भी सेल्स हैं कि मल्टीप्लाई करो, अनलिमिटेड ग्रोथ करो. तो क्या होगा, बहुत सारे जाइंट सेल बन जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनकाइटिया भी कह देते हैं. जो बड़े बड़े सेल बने हैं ना, उसको सिनकाइटिया भी कह देते हैं, और इसी को हम जाइंट सेल भी कह देते हैं. ये मेन बात है कि इसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगी सेल के अंदर. ये कौन सा हमने सिम्टम पढ़ा है, रूट नोट और रूट गॉल के अंदर. आपने क्या याद रखना है मेनली, कि रूट नोट और रूट गॉल के अंदर क्या होता है, कि जो सेल्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिनकाइटिया कहते हैं. ये क्यों होते हैं, क्योंकि निमाटोड्स यहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप अपना साइज बढ़ाओ और नंबर बढ़ाओ. सिर्फ ये बात है इसमें मेन. चलो आगे जी. यस नेक्स्ट आ जाता है रूट लेसन्स. इसके अंदर मेनली क्या हो जाता है, मतलब डिसकलर्ड हो जाते हैं, और उनका जो फंक्शन है वो मेनली कोलैप्स हो जाता है. रूट का सारे, मतलब रूट के जो भी सेल्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, अपने फंक्शन नहीं कर पाते. जिनको भी क्या करते हैं, निमेटोड्स मतलब फीड करते हैं, जिनको भी निमेटोड इन्फेक्शन करते हैं, उनके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि डिसकलर्ड हो जाते हैं, और दूसरा कोलैप्स कर जाता है उनका सारा फंक्शन. निमेटोड्स मेनली क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के क्या करते हैं, उसमें लेसन कर देते हैं, मतलब पोर कर देते हैं, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहे हैं वहां पे अपने स्टाइलेट के थ्रू क्या करते हैं, उसमें बार बार हिंट करते हैं ना उसकी रूट्स के ऊपर, तो वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे लेसन कर देते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं नेकेड आई से. उसके बाद क्या है, एक नेक्रोटिक लेसन्स हो जाते हैं. नेक्रोटिक लेसन्स का मतलब क्या है, कि जहां पे भी निमेटोड ने क्या किया है, इन्फेक्शन किया है, वहां पे क्या होगा, नेक्रोसिस. मैंने आपको बताया नेक्रोसिस का मतलब क्या होगा, कि सेल्स क्या करने लग जाएंगे, ब्रस्ट करने लग जाएंगे. लिखा हुआ ना, नेक्रोटिक लेसन इज प्रोबेबली कॉज्ड बाय टॉक्सिक सलाइवा सेक्रीशंस इंजेक्टेड ड्यूरिंग द फीडिंग ऑफ निमेटोड्स. निमेटोड्स क्या करते हैं, टॉक्सिक सलाइवा इंजेक्ट कर देते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे नेक्रोटिक लेसन्स हो जाते हैं. नेक्रोटिक लेसन्स का मतलब कि सेल ब्रस्ट करने लग जाते हैं. ये उसकी एग्जाम्पल दी हुई है, रेडोफोलस. नेक्स्ट है, थर्ड क्या है, एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग. इसके अंदर क्या होता है, मतलब रूट की जहाँ पे भी निमाटोड्स ने क्या किया है, जैसे ये क्या है, ये रूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, निमाटोड ने इन्फेक्शन किया है, तो क्या होगा, और भी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी. जहाँ पे इन्फेक्शन करेगा ना, उसकी विसिनिटी पे क्या होगा, और भी ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाती हैं, शॉर्ट लेटरल्स, न्यूमरस लेटरल ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना. तो उसको हम कहते हैं एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाती है. किसके द्वारा, निमाटोड्स के इन्फेक्शन के द्वारा. नेक्स्ट है रूट रोट्स. रूट रोट्स मैंने आपको बहुत बार बताया, रोट्स का मतलब क्या होता है, गलना सड़ना. क्या निमाटोड्स जहाँ पे भी इन्फेक्शन करेंगे वहां पे क्या होगा, रूट रोट हो जाते हैं. तो एक ये भी सिम्टम है इसका. नेक्स्ट क्या है, इंजर्ड रूट टिप्स. रूट टिप्स क्या होते हैं, जैसे ये ना एक रूट हो गई, ये मैं प्लांट का मेन ब्रांच वही ना सर, प्लांट हाँ जी बोलिए. रूट का कोई मेन ब्रांच वही रूटी। हाँ, जो मेन ब्रांच होती है ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये देखो, एक मेन ब्रांच है ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पे क्या होती है, एपिकल मेरिस्टम होती है. कौन सी होती है, रूट एपिकल मेरिस्टम. यहाँ पे क्या होता है, मेनली जो निमाटोड्स होते हैं वो यहीं पे इन्फेक्ट कर देते हैं. तो इसके कारण क्या होगा, जो इसकी मेन ब्रांच है, जहाँ से एपिकल का मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, कि यहाँ से ही मेनली जो ग्रोथ होनी होती है, सभी जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं वो इसी से निकलती हैं, सब कुछ एपिकल मेरिस्टम से. तो यहाँ पे क्या होगा, कि निमाटोड्स जब यहाँ पे इन्फेक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो डिवीजन होगी, मतलब सेल्स की नई ग्रोथ होनी, वो बंद हो जाती है. तो जिसके कारण क्या होगा, पूरे प्लांट्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा. ये लिखवा, दिस हैपन्स व्हेन द निमाटोड्स फीड ऑन और नियर रूट टिप्स. रूट टिप्स जो मतलब एपिकल मेरिस्टम, मैंने आपको बताया कि टिप्स के ऊपर क्या होगा, निमाटोड्स इन्फेक्शन करेंगे, कॉज दिस स्टॉप ग्रोइंग.
तो क्या हो, वहां पे ग्रोथ कम हो जाएगी, इनलार्जमेंट कम हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा ना सारा कुछ, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, इनलार्जमेंट स्टॉप हो जाएगी, डिसइंटीग्रेटिंग स्टॉप, मतलब उनसे जो अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। निमाटोड्स फीड एक्टोपैरासिटिकली, एक्टोपैरासिटिकली का मतलब क्या है कि बाहर से ही वो उस फीड करेंगे रूट से, एट द रूट टिप्स सप्रेस सेल डिवीजन इन द एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम में क्या होगा, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी इन शॉर्ट रूट्स, फिर उसके कारण क्या होगा, शॉर्ट रूट प्रोड्यूस हो जाएंगे क्योंकि रूट्स इनलार्ज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि निमाटोड्स ने क्या किया है, जो एपिकल मेरिस्टम सी जहाँ तक ग्रोथ होनी थी रूट की, उसी को मतलब इन्फेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे कोई सेल डिविजन नहीं हो रही, तो क्या होगा इस अल्टीमेटली क्या होगा, शॉर्ट रूट हो जाएंगी, जैसे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइकोडोरस स्टबी रूट्स ऑफ निमाटोड्स, मेनली ये हो जाएगा ट्राइकोडोरस के कारण, मतलब छोटी छोटी रूट्स रूट्स हो जाएंगी, वो बड़ी नहीं हो पाएंगी। हाँ जी, समझ आ रही है आज का? यस सर। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा था। जी सर, अब बता दिया करो, ठीक है, बीच में कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करूंगा, धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ, कई बार हो जाता है। बाकी समझ आया ना ये सारा कुछ? कुछ है तो नहीं इसमें मुश्किल, आसान है ये तो बिल्कुल। यस।